अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का, जुम्मे का दिन है। बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो आपको। और जुमे के दिन आपको पता है कि हमारे साथ होते हैं हरबल शाह नजीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है गुलजार भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमे का दिन है, ज़बरदस्त इस वक्त कराची में बारिश हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त कड़ाकेदार बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा था कि यार पकौड़े बनाएंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात है बेसन नहीं है वरना आपको मैं पकौड़े बना के बहुत मज़ा आता। इसलिए कि मेरी आदत है, मैं बचपन से जो है ना, जब भी बारिश होती है तो मैं पकौड़े जो है ना, मुझे बड़े पसंद हैं और मैं थोड़े बहुत ज़रूर बनवाता हूँ घर पर पकौड़े जो है। और आप भी बनाएं, इंजॉय करें, लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल बहुत रखें। इसलिए कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक का मामला हो रहा है, शॉर्ट सर्किट और गटर और बाकी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। तो हमें खुद जो है एहतियात करके ऐसी जगह से सफ़र करें, थोड़ा सा भले आप उस रोड से, आपको पता हो कि इसमें पानी ज़्यादा भर जाता है, तो दूसरी तरफ से ज़रा गुजारा करके थोड़ा सा तकलीफ़ उठाकर थोड़ा दूर से चले जाएं, थोड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपकी जान जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फ़ैमिली के लिए, आप लोगों के लिए। तो थोड़ी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और इन मौसम में मुहर्रम का वक्त हो, रमज़ान का टाइम हो, या कोई और ऐसा वक्त हो जब हमारे पास कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं या बारिश हो रही होती है, हम थोड़ी जल्दबाजी में हो जाते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ वो जल्दबाजी जो है ना वो ज़रा अपने अंदर से ख़त्म करें, इत्मीनान के साथ सफ़र करें, अपने आप को सेफ रखें, और ताकि आपकी फैमिली जो है वो आप लोगों को साथ खैरियत से अपने घर तक पहुँच सकें। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत सारे हमारे पास कॉल्स, मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें आई हैं, और इसके ऊपर मैंने, हम लोगों ने फैसला किया है कि आप लोगों के लिए जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें। तो उस टॉपिक का ज़िक्र हम करते हैं। और जी गुलजार भाई, आज का टॉपिक है मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, मेल और फीमेल दोनों के जो चेंज हो रहे होते हैं। इसमें जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, प्रोलैक्टिन होता है, FSH होता है, LH होता है, तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जिन लोगों की, इसकी वजह से बाज़ लोगों का वेट गेन हो रहा होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बॉडी के बाल बढ़ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं बढ़ रहे होते हैं, जिस्म पे बढ़ रहे होते हैं, और सर के बाल गिर रहे होते हैं, इसमें ऐसा हो रहा होता है। तो उसको हम कंट्रोल करने का, और उसके साथ जो फीमेल्स में साइकिल उनकी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, उसको बेहतर करने के लिए, और बाज़ लोगों की साइकिल एक एक महीने में दो दो बार होती है, बाज़ लोगों की दो दो महीने बाद होती है, उसको हम कवर करने का बताएंगे। तो ये इसका जिक्र जो आज हमने आप लोगों के लिए जो टॉपिक रखा है हार्मोन्स का, तो इसके लिए मुझे जो कॉल्स आती हैं वो ज़्यादातर लोग, असल में बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ टेस्ट ज़रूर करवाएं। इसका मकसद हमारा ये होता है कि जो भी आपके जो एक्स्ट्रा बाल चेहरे पर आना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर जो है यानी कि बेरौनकी आना शुरू हो जाती है, वेट अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ों की कोई वजूहात होती हैं। उस वजूहात में सबसे अहम वजूहात आजकल के दौर में ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ने लग गई है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर, ये ख़ास तौर पर जो कम एज बची हैं उनमें ज़्यादातर ये मसला जो है ना बढ़ना शुरू हो गया है। ये वजह क्या है? ये हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हम केमिकल इस्तेमाल होता है प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि उसको लंबे टाइम तक के चीज़ों को रखने के लिए, या हमारा जो अनाज है, जो हम अनाज खाते हैं, रोटी है, चावल है, इसमें भी जो ज़रात में जो केमिकल इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और भी जो गोश्त वगैरह के अंदर फीड हम दिया जाता है, जो चिकन है उसको, या मटन को, या अपना बीफ के लिए जो फीड दिया जाता है, उसमें भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं एक प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से। आजकल सिर्फ ख़वातीन में मर्दों में भी ये चीज़ हो रही है, दोनों में ये चीज़ें जो है ना होती जा रही हैं, और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि कॉल जो है वो जो जब करें पेन और कागज़ अपने साथ रखें, दूसरा टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कस कर लें तो इसी टॉपिक के ऊपर अगर कॉल करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है जी? तो
जी गुलजार भाई, आप बता दीजिएगा कि इसकी वजूहात जो है। अभी आपने अर्ज किया, आपने कहा कि इसमें हमारे खाने पीने की चीज़ों में जिस तरीके से चिकन है उसके साथ भी यही होता है, उसे जो फीड दी जाती है या उन्हें इंजेक्ट किया जाता है वो भी देखते नहीं हो कि जो 70 दिन में या 80 दिन में जो मुर्गी तैयार होनी होती है वो 30-35 दिन में तैयार हो रही होती है। तो जाहिर बात है वो चीज़ें जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी पर हमारे ब्लड में शामिल होंगी, उससे हमारे जो हार्मोन गाय को या भैंस को जो इंजेक्शन लगाया जाता है दूध को ज़्यादा देने के लिए उसकी वजह से भी होती है। और वक्त से पहले बच्चे जो हैं वो जो है वो यंग हो रहे होते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उनका कलर जो है ना वो डिम होना शुरू हो जाता है, फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, वेट गेन हो रहा होता है, जिस्म फैलने लग जाता है। बिल्कुल आपने अक्सर बच्चियों को देखा होगा उनकी गर्दन काली हो रही होती है, क्योंकि उनका जब सिर्फ इंसुलिन डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ अटैक करती है। तो अगर जिन लोगों को भी इस तरह सिर्फ इंसुलिन की प्रॉब्लम रहती है, आजकल जामुन आए हुए हैं, आप जामुन खाएं 10 दाने सुबह 10 दाने शाम को खाएं 1 महीने तक, आप देखिएगा ये गर्दन आस्ते आस्ते साफ होनी शुरू हो जाएगी और चेहरे की रौनक भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें ये है कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, आपको पता होना चाहिए आपने क्या चीज़ खानी चाहिए। अगर आप सब्जियां खाते हैं, आप कोशिश करें सबसे ज़्यादा भिंडी खाएं, आप अरवी खाएं, टिंडा खाएं, तुरई खाएं, लौकी खाएं, इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलेंगे। बाकी चीज़ों में कोई ना कोई ऐप ज़रूर होता है, लेकिन ये बेऐप सब्जियां हैं। तरीकाकार ये होता है कि जैसे कि हम अगर हम गोश्त खो रहे हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं खुद गोश्त ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर हम अपने बच्चों की जब तरबियत कर रहे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम अगर शुरू से सी फूड जैसे खिलाना या सब्जियों की इंटेक करना, लेकिन ये कि मैं अपने लिए भी कहूँ कि मैं गोश्त भी खाता हूँ, लेकिन ये कि बचपन से दालें भी खिलाई गई हैं, सब्जियाँ भी, तो मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, जो भी चीज़ बनी हुई होगी मैं खा लूँगा। तो वो लेकिन आजकल के बच्चों में ये होता है कि पसंद ना पसंद अगर वो इस तरह से क्रिएट होता है पसंद ना पसंद, जब आप खुद जिन चीज़ों को नहीं पसंद करते हैं बच्चे भी नहीं खा रहे होते हैं, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं, तो आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है, फ़र्ज़ करें कोई सब्ज़ियाँ आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप बच्चों के खातिर जो है ना उनको खिलाने के लिए बचपन से ही आपने आदत डालना है। जब आप छोटे बचपन से ही उसको आदत डाल देंगे बच्चों को, तो वो फिर बड़े होने के बाद पसंद नापसंद पर नहीं जाएंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीकाकार जो है ना इस वक्त दुनिया में जो अप्लाई किया जाता है, तरबियत जो है वो घर से होती है शुरू, स्कूल और कॉलेज में बाद में जाके तरबियत दी जाती है, लेकिन घर में जब आप तरबियत देते हैं बच्चों को, उसके खाने पीने का जब ख्याल रखते हैं, तो आप शुरू से ही अगर सी फूड भी खिला रहे हैं, दालें भी खिला रहे हैं, सब्जियां भी खिला रहे हैं, सीजन के फ्रूट्स भी खिला रहे हैं, मैंने यहाँ तक भी लोग देखे हैं जो फ्रूट नहीं खाते हैं, उनको पसंद ही नहीं है फ्रूट्स, आपने देखे ऐसे? बिल्कुल, मैंने भी देखा। मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं हैरान होता हूँ कि फ्रूट नहीं खाते हैं, यानी कि फ्रूट पसंद ही नहीं है। तो इस वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी और बहुत सारी चीज़ों की ज़्यादती हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है क्रिएट होता है। फ़ास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो गया है बहुत ज़्यादा, जो आपको पता है कि फ़ास्ट फूड की वजह से अब बच्चों को आदत पड़ गई है, अब वो फिर वो फ़ास्ट फूड पे ही चले जाते हैं, हर बात में फ़ास्ट फूड जो है ना, जो चिप्स हो गया या इस टाइप के जो अनहेल्दी टॉफ़ी हो गए या चॉकलेट्स हो गई या इस टाइप की चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एक चीज़ और होती है, देखें जिस तरीके से हम बार बार अक्सर प्रोग्राम्स में कहते हैं कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप सी फूड्स का इस्तेमाल करें, आप क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक दो दिन में नहीं, कुछ अर्सा यूज़ करेंगे आप, देखिएगा आपकी बॉडी में कितनी चेंजिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, चेहरे पर रौनक भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बातें जारी रहेंगी और इसी के ऊपर हम रेमेडीज़ भी हैं, 3 रेमेडी हैं, तो आपने पेन और कागज़ तैयार रखना है और तमाम प्रॉब्लम्स को जो देखते हुए अपने पास लिख कर रखना है, ताकि आपके भी काम आए, आप दूसरों के लिए भी हेल्प कर सकें। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, हार्मोन्स के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है वो मैं देने जा रहा हूँ फूड पांडा की तरफ से। और हर साल की तरह जो है ना इस साल भी जो है ना फूड पांडा 17 जुलाई से और 19 जुलाई तक जो है मना रहा है, अपना सेलिब्रेट कर रहा है बिरयानी फेस्टिवल, ठीक है जी, बिरयानी वीकेंड समझ लें इसको, सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ वीकेंड में भरपूर अंदाज में जो है बिरयानी
वीकेंड मनाया जा रहा है और इसके अंदर आप जो है 70% तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं बिरयानी ऑर्डर करके। डेट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक, ठीक है जी। और मैंने भी जो है सोचा है कि बिरयानी ऑर्डर करूँ, और मज़ेदार बिरयानी जब आएगी ना तो मैं आपको एक राज की बात भी बताऊंगा कि बिरयानी के साथ क्या चीज़ और आने वाली है, ठीक है जी। और बिरयानी ऑर्डर कर रहे हैं और इसी लिए कहा जाता है कि सेलिब्रेट करें बिरयानी वीकेंड और आखिर में फूड पांडा जो है फूड पांडा करो, ठीक है जी, एंजॉय करें। फूड पांडा आप भी करते हैं कभी कभी? मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं कभी कभी, और बहुत आसानी ताला लगा देते हैं। जी जी, उस दिन हम किचन को ताला लगा देते हैं, ठीक है जी, एंजॉय करते हैं, जबरदस्त बड़ा मजा आता है, ठीक है जी। तो मैं अभी बस अभी अपना जो है ना फूड पांडा ऑर्डर करने लगा हूँ आपके लिए बिरयानी, ठीक है जी, और साथ मिलकर खाएंगे बिरयानी। और जब फूड पांडा मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है जी, और बिरयानी ज़बरदस्ती और इसके साथ, तो जी जी बिरयानी ऑर्डर हो गया है और फूड पांडा की तरफ से, और जी तो चलें जी, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, चलें अब बस इंतजार करें, थोड़ी देर में आ जाएगा पांडा, थोड़ी देर में बस पहुंचने वाला है और सब मिलके एंजॉय करेंगे। आप भी जल्दी करें, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, 17 से 19 जुलाई तक जो है मज़ेदार बिरयानी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो 70% तक की डिस्काउंट करें, फूड पांडा करो जी 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 जी। गुलजार भी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बाज़ लोगों के साइकिल जो है आपने देखा होगा कि 2-2 महीने नहीं होते, ख़वातीन बहुत परेशान होती हैं कि लास्ट मंथ में उनका फ्लो बेहतर था लेकिन एक महीना हुआ नहीं, अगले महीने फिर उनको यानी इस तरीके से 2-2 महीने का गैप आ जाता है। तो 2-2 महीने का जो गैप आता है उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना शुरू होता है, प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे फालतू बाल आने शुरू होते हैं। जिन लोगों के 2-2 महीने साइकिल पीरियड नहीं होते हैं तो उनके लिए ये गाजर के बीज हैं, ठीक है, गाजर के बीज इसे साफ कर लें, इसमें मिट्टी तिनका होती है, साफ करने के बाद बारीक पाउडर बना लें ऐसे, ठीक है, और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच, ठीक है, सुबह निहार पेट पानी से रोजाना, ठीक है, और ये 2 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करना, एक दिन में एक दफा निहार में एक चाय का चम्मच, सुबह निहार मुंह एक चाय का चम्मच सादा पानी से, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 2 महीने तक, ठीक है, बीच में साइकिल हो जाए पीरियड हो जाए तो इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लें, इंशाल्लाह ताला इस 2 महीने के बाद रेगुलर हो जाएंगे हर मंथ, ठीक है। तीसरी चीज होती है, बाज लोगों को 1-1 महीने में 2-2 बार साइकिल होती है तो ये भी एक तशवीश वाली बात होती है, ऐसे मौके पर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, उसमें कोई फेब्राइड या कोई सिस्ट या कोई ऐसी अलामत तो नहीं है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड करा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ये हर किस्म के बहते हुए खून को रोकती है, ठीक है। ये अंजुबार है, इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। एक चीज़ और बता दूँ इसी के साथ साथ कि जिनकी नकसीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा नकसीर फूटती हो, फूटती है बहुत ज़्यादा, गर्मी हो सर्दी हो ज़रा सा हिलते जुलते हैं ज़रा सा कुछ ऐसी चीज़ करते हैं उससे भी, उसके लिए भी ये जो है ना बहुत बेहतर है। अंजुबार जी हाँ, ये इसे बारीक पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ लेना है और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करना है 40 दिन करना, इंशाल्लाह हर किस्म की जो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होगी उसे रोकेगी ये, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जैसे बाज लोगों को प्रोलैक्टिन FSH और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है, LH हाई हो रहा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसी वजह से जो एग्स भी मैच्योर नहीं हो रहे होते हैं, औलाद की भी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी सूरत में ये गोंद मोचरस कहलाती है, गोंद मोचरस एक दरख्त है, मोचरस ये उसका गोंद होता है या, और ये इसका पाउडर है, ठीक है। इसका वज़न आपने लेना 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम। ये है लूट पठानी, ठीक है, लूट पठानी ये इसका पाउडर है, इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। इस तरह मिक्स कर लें, ठीक है। आप इन दोनों को एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। इसकी आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ लेना है, सुबह नाश्ते से पहले रात खाने से पहले, और साथ में अर्के मको पिया आधा कप सुबह आधा कप शाम, और ये भी कंटिन्यू तकरीबन 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें, ठीक है। और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवाएं, आपका LH भी कंट्रोल में मिलेगा, FSH भी कंट्रोल में मिलेगा, प्रोलैक्टिन भी कंट्रोल में मिलेगा आपका, और जो जिसकी वजह से बॉडी फैल रही होती है ये भी वापस कम होना शुरू हो जाएगी, और जो पसीना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, हॉट फ्लैशेज आते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, तो कोई भी काम बोलें तो कहते हैं कि
कि मुझे ना बोलो किसी और, बिल्कुल ऐसे ही ये वो चीज़ें इंसान एक्टिव भी कर देती है फीमेल को। ये अक्सर जो चिड़चिड़ापन और ये चीज़ें जो यंग एज में अगर बच्चों के हो रहे हैं ना, तो इसको कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसकी वजह जो है ना, ये जो है ना हारमोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा होता है, तो इसके ऊपर आपने गौर करना है, परेशान नहीं होना है, गौर करके और फिर इसके बाद जो रेमेडी बताई गई है इसका रेगुलर इस्तेमाल करवाना है 2-2.5 महीने तक, ताकि ये कि वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो हर चीज़ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, वेट भी अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाएगा, ये चिड़चिड़ापन वो स्ट्रेस लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, कोई बात जहन में आ जाए उसके 10 महीने निकालना, बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ में मुतमइन ना होना, बिल्कुल, और नींद भी डिसबैलेंस होती है, सोते वक्त भी दिमाग चल रहा होता है, बातें सोच रही होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, रोने को दिल करता है, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें कवर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक ठीक, तो वो चीज़ भी काबू। आज हम एक्स्ट्रा बाल के लिए भी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर थी कल, इत्तफाक की बात है, कल कॉलर हमारी थी, तो उन्होंने कहा था कि जो फार्मूला बताया गया था एक्स्ट्रा बालों के लिए वो ज़रूर बता दें, तो अभी हम बताने वाले हैं, तो प्लीज़ पेन और कागज़ तैयार रखिएगा ताकि लिख लें इसके ऊपर, ठीक है। जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, तो उसकी वजह से ना ख़वातीन में ये है कि फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, बाजू का तो ऐसे बाल होते हैं कि वो जब थ्रेडिंग या कुछ भी करते हैं तो उससे मोटे बाल हो जाते हैं, जैसे एक मर्दों की शेव होना शुरू हो जाती है। देखो, उसको ठीक करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने कभी भी अगर बच्चों में, फैमिलीज़ में किसी को भी अगर एक महीना साइकिल नहीं होती है, तो आप अपने फौरी लेडी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप करवा लें ताकि उसका हल निकल आए, वरना ये पुरानी हो जाती है और फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती जाती है। तो जिन लोगों के भी फालतू बाल आ रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है मुल्तानी मिट्टी, जी ये मुल्तानी मिट्टी साबुत है, ये इसका पाउडर है, ये एक वक्त पे लगाने का मैं बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप बना के घर पे रख भी सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी 1 चाय वाला चम्मच, ये उसका पाउडर था, ये है सुरनजान तलख, एक सुरनजान शीरी आती है, ये सुरनजान तलख है, और ये इसका पाउडर है, इसका वजन भी 1 चाय वाला चम्मच, ये किस्तुल बहरी है, इसे किस्त शीरी भी कहा जाता है, किस्तुल बहरी, ठीक है, और ये इसका पाउडर है, इसका वजन भी 1 चाय वाला चम्मच, ठीक, और इसमें हम डालेंगे ये रोगन खस, एक बूटी आती है, हमने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था, उस बूटी का ये ऑयल होता है, इसके तकरीबन 4 कतरे, ठीक, ठीक, और इसका जो पेस्ट बनेगा वो पानी में बनेगा, पानी में बनेगा, ठीक है, इस तरह रोगन खस को हमने इसमें मिलाया है, ये पाउडर ही बनेगा, ठीक है। अच्छी खुशबू इसकी अच्छी है, जड़ी बूटियों की स्मेल देती है ना, और खस बूटी भी जो है वो इसी तरह होती है कि उसकी भी, इसको खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है खस को, ठीक। इस तरीके से आपने नरम सा पेस्ट बनाना है और जहाँ जहाँ पे आपके फालतू बाल हो वहाँ वहाँ पे आपने अपने से लेप कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से लेप, लेप करके कर, हाँ ऐसे लेप करके छोड़ दें, ठीक। दिन को लगाना हो तो 2 घंटे के बाद आप इसे धो लें, ठीक है, और या रात को लगा लें सुबह धो लें, ये रोजाना करना है 2 से 3 महीने तक, ठीक। ये आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये मैंने खुद जाती यूज करा है, अपने काफी पेशेंट्स को यूज करा है, और इससे ये है कि अल्लाह ने काफी शफा दी है लोगों को, इस तरीके से पेस्ट बना के लगा लें बस, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना, खुश्क हो जाएगा, ये खुश्क हो जाएगा, आप रात को अगर उठते हैं तो उसको झाड़ दें, ठीक है, ठीक है, तो इसका ये बहुत आसान तरीका है। और इसे आपने कितने टाइम तक लगाना है? रात को लगा लें सुबह धो लें, 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने, 3 महीने तक, ताकि आपको 1 महीने में आप मुतमईन हो जाएंगे, आपके काफी कम हो चुके होंगे ये, ठीक है, उस वक्त आप खुद शौक से लगाएंगे, कहेंगे नहीं यार खत्म कर रहा है, हाँ इससे ऐसे कम, आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मोटे बाल जो है वो पतले होना शुरू हो जाएंगे, पतले होकर खत्म होना शुरू, बाजू का झड़ना शुरू हो जाएंगे यहाँ से, ठीक 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 ठीक। तो ये चीज होती है, आप अपने हार्मोन्स को बेहतर कीजिए, हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए खाने की भी बताई हमने और ये लगाने की बताई जो इसकी वजह से होती है। हमारे पास कॉलर है सायरा फ्रॉम सरगोधा, अस्सलाम वालेकुम सायरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी जी सायरा बोलिए। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरे जो वेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मेरा वेट अचानक से बढ़ जाता है, बाल नहीं बढ़ते, एकदम क्या होने लगती है, तो उसके बारे में प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, ठीक है सारा, कोई अपना, आपकी उम्र कितनी है?
28-29 साल है। ठीक है, और कुछ पूछा? नहीं नहीं गुलजार भाई, इनका वेट यही है कि वेट बढ़ रहा है इनका। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जिन लोगों का वेट बढ़ रहा होता है, आपने देखा होगा अक्सर लोग कभी कपड़े लूज हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, और जिस्म फैल रहा होता है, बॉडी लटकी हुई होती है, चलते हैं तो सांस फूलने लग जाता है, वो हार्मोन्स की वो खाना पीना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं तो और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कहते हैं हम पानी भी पीते हैं, पानी लगता है, हम आपको पानी पिलाएंगे, आप इंशाल्लाह ताला वेट कम करें। कहते ना कि चाय पिए और वजन कम करें, सही बात है, चाय पिलाएं। अब मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ, आप इसे इसकी चाय बना के पिए, यानी सवा कप पानी में डाल के चोंच दें। आपने लेने गुल बखूर आधी चम्मच, मिर्गिस बूटी आधी चम्मच, मक्को दाना आधी चम्मच, इसे सवा कप पानी में डाल के जोश देके कहवा बना लें, एक कप सुबह एक कप शाम बनाकर पिए किसी भी वक्त, और ये कंटिन्यू महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। आप देखना आपके कपड़े कितने लूज होते हैं, आपका वेट कितना कम होता है, वर्म भी कम होगा। जो लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं चेहरा सूजा हुआ होता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और कहते हैं ना कि मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग की है, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, आप ये ट्राई कीजिए। दोबारा से बता दीजिए, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें हैं, गुल बखूर आधी चम्मच, मक्को दाना आधी चम्मच, मिर्गिस बूटी आधी चम्मच, इन्हें सवा कप पानी में डाल के जोश दे दें, कहवा बना लें, फिर छान के आप एक कप सुबह एक कप शाम इस तरह बना कर पिए किसी भी वक्त, बना खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये आपको एक्टिव भी रखेगी, ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जबरदस्त, जिन लोगों का फैटी लीवर हो रहा होता है। इंशाल्लाह हमारे पास अपना क्या नाम है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। क्यों आखिर खुशबू क्यों आ रही है? तो फूड पांडा हमने ऑर्डर किया था बिरयानी फेस्टिवल में, और बिरयानी फेस्टिवल में जो है हमने मंगवाया बिरयानी, और ये है स्टूडेंट की बिरयानी, ठीक है। और आपको पता है पाकिस्तान में एक मशहूर नाम है स्टूडेंट का, तो उसकी बिरयानी हमारे पास आ गई। इसके साथ जो है 50 एनिवर्सरी है, और अपना फूड पांडा अपना बिरयानी अपना स्टूडेंट बिरयानी की, और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक जो है वो भी है, वो हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया, तो ये हम इंजॉय करेंगे। और आप भी जो है 17-19 जुलाई तक जो है फूड पांडा जो है बिरयानी फेस्टिवल मना रहा है, तो उसके अंदर 70% की डिस्काउंट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो अभी आप फूड पांडा करो, ठीक है जी, बिल्कुल चिकन लॉक करें और फूड पांडा करें, और इस बारिश के मौसम में जो है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको साथ खैरियत के साथ घर पर गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो मिल जाएगी। बहुत जबरदस्त है, और माशाल्लाह घर बैठे इंसान दिल चाह, जैसे मेरा है, मेरा भी कोई चीज को खाने को दिल चाहता है, कभी बर्गर कभी पिज्जा कभी, नहीं वाकई में कुछ भी है, हर चीज है, हर चीज है इनके पास, तो हर चीज जो है ना वो ऑर्डर कर सकते हैं। और हमेशा की जो टैग लाइन है ये बहुत मजेदार है कि फूड पांडा करो, ठीक है जी, जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है जी। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, और एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप रेमेडी को एक दफ़ा दोबारा दोहरा दें, ताकि जिन लोगों ने नहीं लिखा जी, जिन लोगों वो जल्दी जल्दी से लिख लें, जिन लोगों के फेशियल हेयर हो रहे हैं, की तरफ चला जाऊँ जी, और आपके लिए जो है बिरयानी तो हमने मंगवा ली, तो मीठा जो है मैंने सोचा कि मैं खुद बना दूँ खीर, बिल्कुल ठीक है, तो बिरयानी खीर और कोल्ड ड्रिंक साथ में मज़ा, यानी आज मुझे डिनर करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सारा फूड पांडा है जी, फूड जी। देखें दूसरी चीज, जिस तरीके से भी बताया, फालतू बालों को ख़त्म करने के लिए, फेशियल हेयर को ख़त्म करने के लिए मैंने सबसे पहली चीज़ इसमें मिलाई है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी एक चम्मच, किस्ते शीरी इसे किस्तुल बहरी भी कहते हैं, ये भी एक चम्मच, सुरनजान तलख, कड़वी सुरनजान तलख ये भी एक चम्मच, और इसमें 4 कतरे रोगन खस मिलाया, और फिर उसके बाद इसे इसके अंदर मैंने पानी मिला के इसका पेस्ट बनाया, बना लिया ठीक है, ये देखें पेस्ट बना लिया, और अपने फालतू बालों पे ऐसे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें, रोजाना एक टाइम, अगर रात को नहीं लगा सकते हैं तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें, 2-3 घंटे छोड़ दें, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे, और ये कंटिन्यू आपने 2-3 महीने करना है आपने, इंशाल्लाह ताला फालतू बाल जहाँ जहाँ पे होंगे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों की साइकिल 2-2 महीने बाद होती है, पीरियड साइकिल, वो भी बहुत परेशान होते हैं, जिनको 2-2 महीने बाद होते हैं, ये गाजर के बीज इसे साफ़ कर लें, और इसे बारीक पाउडर बनाकर
एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह निहार पेट पानी के साथ कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करें। अगर बीच में पीरियड साइकिल हो जाए तो इसको रोक लें, जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा शुरू कर लें। इस तरीके से ये पीरियड रेगुलर हो जाएंगे। अगर एक एक महीने में 2-2 बार पीरियड हो रहे हैं, ये भी एक टेंशन वाली बात है, तो ऐसी सूरत में ये अंजुबार की लकड़ी आती है, अंजुबार, इसे बारीक पाउडर बना लें, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ लें, महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह ये जो साइकिल 2-2 बार होती है एक महीने में, ये 1 बार होना शुरू हो जाएगी और 28 दिन की साइकिल होगी। ठीक ठीक, इस तरीके से कंट्रोल होगा। अगर आपका FSH, प्रोलैक्टिन और LH ये चीज़ें आपकी डिसबैलेंस हो रही हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिसबैलेंस हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपने 2 बूटियाँ रखनी हैं, लूत पठानी और गोंद मोचरस। ठीक, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह 1 चाय वाली चम्मच शाम खाने से पहले पानी के साथ, साथ में अरके मको पिएं 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये कंटिन्यू 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अपना टेस्ट करवा लें, आपका प्रोलैक्टिन FSH LH और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंशाल्लाह ताला कंट्रोल में मिलेगा आपको, और इससे एक्स भी मैच्योर हो रहे होंगे, साहिब औलाद भी हो जाएंगे। ठीक, चलें जी मैं जा रहा हूँ किचन की तरफ ताकि खीर जो है वो आप लोगों के लिए तैयार करूँ, ताकि हम बिरयानी खीर कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ें इंजॉय करें। ठीक है जी, और आप लोगों के लिए जो है ना ये रेसिपी, अच्छा कॉल लाइव हमारी कॉल ऑन है, कॉल करें और जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तमाम जो सवाल हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के दौरान जो है ना वो आपके सवाल के जवाब देते रहें। ठीक है जी, हमारे पास मियाँ चुन्नू से कॉलर मिसेस एजाज जी। वालेकुम सलाम जी, आपके थोड़ी तारीफ करनी थी, माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छे से खाने बनाते हैं जी, और शानदार सब वो टेस्टी जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मेरी बहन आप ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। क्यों शानवीर साहब, मैंने ना आपसे इतना मसला शेयर करना सर, मुझे टाइफाइड का मसला और जोड़ों में भी दर्द रहता है। ठीक है, तो मैं जब भी कोई ठंडी चीज खाती हूँ या कोई खट्टी चीज वगैरह खाती हूँ तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, मेरी बहन मेरे कितना ज्यादा नहीं है, वो भी 5.6 है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? आपकी एज की उम्र कितनी है? 30 साल। 30 साल, ठीक है। हाँ जी, और मेरे ना जब भी कोई दही वगैरह या फिर कोई ठंडा पानी वगैरह पी लेती हूँ या कोई भी खट्टी चीज खाती हूँ उससे दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई अचार वगैरह। अच्छा, गला भी खराब हो जाता है ना आपका? जाता है जी जी। ठीक है, गले में भी इस तरह खारिश सी होती जाती है। ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी गुलजार भी, एक तो इनको एलर्जी है, दूसरा टाइफाइड जो है ना इनका वो पॉजिटिव आता है, जब ये बता रही है जिस तरह इन्होंने बताया, तो जिनको भी टाइफाइड जो है पॉजिटिव आता हो, मलेरिया रहता हो अक्सर, और शाम होती है बुखार हो जाता है अक्सर लोगों को, तो ऐसी सूरत में आप गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा और बनफ्शा के पत्ते 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और 1 कप रोज़ाना पिएं, 3-4 दिन पी लें, इंशाल्लाह हड्डी हड्डी में से बुखार निकल जाता है। ये उनके लिए बेहतर है जिनका थर्मामीटर में नहीं आ रहा था लेकिन जिसम तप रहा होता है बुखार की तरह। सर गुलों की लकड़ी, गुलों की लकड़ी और बनफ्शा के पत्ते, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ज़रा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अक्सर लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। गुलों की लकड़ी, ठीक है, गुलों की लकड़ी ये एंटी मलेरिया होती है और बनफ्शा के पत्ते एंटी एलर्जी होते हैं, तो इनका गला जो खराब रहता है वो भी ठीक हो जाएगा, जैसे कुछ भी ठंडा खट्टा खा लेती हैं वो भी सही हो जाएगा, बुखार भी खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज इन्होंने लिकोरिया का बताया जी, एक पुराना होता है एक नया होता है, ठीक है, ये दोनों सूरतों में काम करेगी। इसमें आपने सिर्फ 3 चीजें लेनी है, निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा। निशास्ता गंदुम, कमरकस, सिंघाड़ा, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें महीना या 40 दिन। कमर भी मजबूत हो जाएगी और ये वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया वगैरह सब खत्म हो जाएगा और चेहरे पर रौनक भी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। दूध हमने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, अब इसमें हसबे ज़रूरत चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं इसमें 1/2 कप जो है चीनी डाल रहा हूँ, ठीक है जी, और इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगा जो टोटा चावल होता है वो हमने इसमें भिगो के रखा हुआ है, 1.5 धोकर और उसको भिगो दिया था 1.5 घंटे पहले, और इसे हमने इसमें शामिल कर दिया पकने के लिए। ठीक है, अच्छा खुशबू के लिए 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, एक तो मैं इसमें डाल रहा हूँ जो शुरू में हम शामिल करेंगे वो है
इलायची का पाउडर, ठीक है, ताज़ी छोटी वाली इलायची हमने ले ली है दो से तीन, और इसे हमने कूट लिया बारीक और इसे हमने इसमें शामिल कर दिया। और जो केवड़ा एसेंस होता है ये हम बिल्कुल लास्ट में, आखिर में जब खीर अपना खीर गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल तैयार होने के फाइनल पोजीशन में हो जाए गाढ़ी, तो उस वक्त आप इसमें ऐड करते हैं, कुछ बादाम पिस्ता ऐड कर दें। अच्छा, मैं इसमें लास्ट में जब खीर गाढ़ी हो जाएगी तो इसके अंदर मुरब्बा जो आजकल आपके पास कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में, रेड कलर में मुरब्बा होता है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि इसका खुशबू जो है ना, इसका कलर भी अच्छा आए, खुशबू भी आपकी अच्छी आए। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसे जो है आप ठंडा करके सर्व करें। नॉर्मल बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी सर्व किया जाता है, लोग ठंडा करके भी सर्व करते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है, पक रहा है, टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, लाइव कॉल्स ऑन है, जल्दी करें, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खीर, मुरब्बे वाला खीर जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास फूड पांडा की तरफ से जो है स्टूडेंट की बिरयानी भी आ गई है, और मज़े के खाने हैं। और हमारे साथ हरबलेश शाह नज़ीर साहब हैं जो आज हम टॉपिक के ऊपर बात भी कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल भी आप लोगों के हैं, उसके भी जवाब देने हैं। अच्छा, एक रेमेडी जो शुगर के बारे में थी और हमने ज़िक्र भी किया था, एक तो वो रेमेडी दोबारा से बता दें शुगर के बारे में, और दूसरा शुगर की वजह से जो पैरों में तकलीफ़ होती है या वीकनेस हो जाती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए या वीकनेस को ख़त्म करने के लिए। भाई हमने कई नुस्खे बताए शुगर को कंट्रोल करने के लिए, और हर एक अपनी अपनी अफादियत रखता है, ठीक है। शुगर को कंट्रोल करना, और साथ में अपनी दवाओं को जारी रखिएगा, अपनी दवाओं को रोकिएगा नहीं डॉक्टर की, अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दबदल कीजिएगा। तो शुगर अगर आपकी दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो साथ में आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होगा और आत्माओं की जलन भी दूर होगी। इसमें आपने लेना है चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इंद्र जो तलख 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चंदन के पत्ते 100 ग्राम, इंद्र जो तलख 100 ग्राम, गुड़ मार बूटी 100 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को शुगर की वजह से हाथ पांव में कमज़ोरी महसूस होती है, हाथ पांव सुन्न हो रहे होते हैं, पट्ठों में खिंचाव हो रहा होता है, जिस्म टूट रहा होता है, टांगों में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, और इसकी वजह से रगें सिकुड़ रही हों, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना 57 अजगन नागोरी सफ़ेद मूसली, 57 अजगन नागोरी और सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें, मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, पानी के साथ या एक कप दूध के साथ, लेकिन ये भी कंटिन्यू 1-2 महीना इस्तेमाल करें इसके साथ, इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल होगी और शुगर की वजह से जो कमज़ोरी हो रही है वो भी दूर हो जाएगी और आत्माओं का सुन होना भी ख़त्म होगा। अच्छा, शुगर की वजह से जो भी अभी रेमेडी आपको बताई गई है, और भी बहुत सारी रेमेडीज़ हमने बताई हैं। अच्छा, हर इंसान अलग अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं करती हैं। अच्छा, जैसे शुगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे पास कॉल आई थी लाहौर से कि वो आधा चाय के चमचे से भी जो है ना शुगर कंट्रोल होने लग गई है, और बहुत सारे लोगों को एक चाय का चमचा भी इस्तेमाल करने से। तो हर इंसान का अपना बॉडी का सिस्टम होता है, और उसके हिसाब से जो चीज़ आपको सूट कर रही हो तो वो चीज़ आप इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि रेगुलर इस्तेमाल करें जब तक आप शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती है, और जो वीकनेस के लिए बताई गई है वो भी दवाई, जब तक आपकी वीकनेस ख़त्म नहीं हो जाती जब तक आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। जो हमारे पास एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अपने आप को खुश रखें जी, टेंशन ना लें, टेंशन से भी शुगर जी। हमारे पास कॉलर है जी, क्वेटा से सोहेल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई जी बिल्कुल खैर खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे खैरियत से? आपका शो रेगुलर देखता हूँ, एक घंटा हो गया कॉल मिलाते हुए, अभी जाके कॉल मिली जी। बारिश हो रही है बहुत सख्त किस्म की यहाँ पर जी।
अच्छा गुलजार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप खुश्क मसाले बनाना, बिरयानी कोरमा वगैरह बनाना शुरू करें, तो आपने शुरू किया, बिल्कुल शुरू कर दिया। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी पूरे हफ्ते इंशाल्लाह आपको रोजाना एक मसाला मिलेगा। ठीक है, ईद तक ये प्रोग्राम जारी रखे ना, इसी तरह कोई मुख्तलिफ रेसिपी ईद के हिसाब से, ईद तक जब तक आपका प्रोग्राम नहीं, ईद तक चलेगा, ईद के बाद भी चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है गुलजार भाई, मेरी वो एक हकीम शाह साहब को भी मेरा सलाम देना। उनसे पूछा तो वालदा मेरी बीमार है, ठीक है, 40 साल पहले उनको घुटनों में दर्द हुआ था, ठीक है, पहले सीधे घुटने में दर्द था, अभी जो 40 साल बाद अभी उनके 4 साल और फिर घुटनों में जिस्म में दर्द, ये गर्दन की बैक साइड पे दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, घुटनों की हड्डियों में थोड़ा स्पेस भी है, नीचे वो बैठ नहीं सकती हैं। इलाज बहुत कराया, कराची तक हम लोग लेकर गए। अभी क्या उम्र कितनी है उनकी? 65, ठीक है, ठीक है। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इलाज हम लोगों ने बहुत कराया, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ा, परहेज भी बता दें। और एक दूसरा छोटा सा सवाल कि दांत में दर्द का, तो लौंग का आपने बताया था कि लौंग कूट के रख लें, जी जी, बाद दफा लौंग से भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो रात के टाइम किधरी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसका भी बता दें। और छोटे बच्चों के दांत में जो कीड़ा लग जाता है, हाँ, उसका भी काइंडली बता दें, उसका क्या तरीका है। अपने वालदा को आपके शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है ना जी। गुलजार भाई, एक तो उनका सर्वाइकल का मसला है, जैसे गर्दन के मोरे होते हैं, जब ये S1 S2 ये वगैरह हिल जाते हैं और कमर के मोरे हिल रहे होते हैं, तो इसमें L4 L5 भी डिसबैलेंस होता है। और दूसरी चीज ये है कि इनको अर्थराइटिस भी है, यानी घुटनों में भी दर्द है, तो इसको ठीक करने के लिए और सर्वाइकल की वजह से लेटते बैठते चक्कर भी महसूस होते हैं और हाथों पे भी सुनपन आ रहा होता है, हाथ दर्द भी कर रहे होते हैं और घुटनों में टक टक आवाज आती है, बैठ गए, चलना फिरना हर चीज मुश्किल हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए 5-6 जड़ी बूटियां हैं, आप घर पे बनाएं। इसे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी ले सकता है, शुगर का मरीज भी ले सकता है, सब ले सकते हैं। इसमें आपने लेना है गोंद फुलाई, फुलाई का गोंद 50 ग्राम, चौप चीनी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप दौड़ने लग जाएंगे, इतना कह सकता हूँ। ये सर्वाइकल के लिए भी बेहतर है, L4 L5 के लिए भी बेहतर है, शॉटी का पेन हो यानी अर्कुल निशा का दर्द हो, या घुटनों का अर्थराइटिस पेन हो जिसमें गैप आ जाता है उसके लिए हो, सब में ये काम करती है। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि दांत में दर्द रहता है, जिसके लौंग का इस्तेमाल भी किया, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है लौंग का। उनका कहने का मकसद ये कि एमरजेंसी में जो नहीं हो जाता जैसे रात में, तो लौंग का तेल भी मिलता है, उसको भी कॉटन में लगाकर अगर एमरजेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये एमरजेंसी के लिए तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। बिल्कुल, इसमें आपने लेना है सत्ते पुदीना, सत्ते अजवाइन, सत्ते काफूर, ये तीनों क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको पंसारी की दुकान से, सत अजवाइन, सत पुदीना, सत काफूर, ये 10-10 ग्राम लेके एक ही बोतल में डाल लें, आप थोड़ी देर में देखेंगे ये खुद पानी बन जाएगा। इसको एयर टाइट कर लीजिएगा, जब भी दांतों में तकलीफ़ हो आप कॉटन से दांत पर रखें, 5 मिनट में आराम आ जाएगा। अगर दांतों में मसूड़े सूज रहे हों तो आप इसको 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें, ये मसूड़ों की सूजन भी ख़त्म करती है, पायरिया के असरात को भी ख़त्म करती है। और जो बच्चों के दांतों पर जो कीड़ा लग जाता है, तो ऐसी सूरत में 7 साल के बच्चे हैं उनके दांतों में कीड़ा लग के गिर जाते हैं, वैसे ही आ जाते हैं वो। अगर इससे ज़्यादा उम्र वालों को कैविटी हो रही हो तो फिर आपने कटेली बूटी लेनी है, कटेली उसे ऐसे कोयले पर डालेंगे, जब वो जलेगा तो धुआं निकलेगा, तो मुंह खोल लीजिएगा, जैसे दांतों पे वो धुआं लगेगा ये पानी भर के कैविटी निकल रही होगी, और ये एक बार रोज़ाना करना है, 4-5 दिन करना है, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे दांत। बिल्कुल इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा, जब कोयला जलाकर आप करेंगे तो बहुत एहतियात से कीजिएगा, ताकि ये कि आप सेफ रहें, ठीक है जी, बहुत ज़रूरी होता है कि, लेकिन अस्थमा के मरीज ना करें ये, दमे के मरीज ना करें, दमे के मरीज जो है वो ना करें। और यहाँ हमारे पास जैसे खीर जो है वो गाढ़ा होने लगा है, जब गाढ़ा होने लग जाए तो आप इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस चंद कतरे आखिर में ऐड कर दें, और उसके बाद उसको मुस्तकिल जो है हम अच्छी तरह से पकाते रहेंगे, और गाढ़ा होने के बाद फिर इसे हमने इसके अंदर मुरब्बा भी शामिल कर देना है, साथ में ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देना है, और ये हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि जो भी चीज़ आपको रेमेडी बताई जाए, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 1-2 कॉल्स आई हैं मुझे
कि आपकी बताई हुई चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं और की बताई हुई चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको खुद को भी नहीं पता कि हमने रेमेडी, मैंने पूछा, मैंने कहा यार हमने तो नहीं बताई आपको, ठीक है ऐसा हुआ। ये बहुत बहुत बुरी बात है कि आप इस तरह से जो है ना बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इससे भी ये नहीं कि जड़ी बूटियां मैं कह रहा हूँ कि असर नहीं करती हैं, यानी कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर आप इतनी सारी दवाइयां इकट्ठे इस्तेमाल करना शुरू कर दें और वो कभी इधर से सुन लिया, फिर उसको इस्तेमाल कर लिया, कुछ दिन इस्तेमाल किया, छोड़ दिया, तो ये प्लीज़ ना करें, और इससे आपको नुकसान होगा, ठीक है, और नुकसान ये होगा कि आपको जो आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है वो ख़त्म होना है कि बजाय उसकी जगह पे दूसरी प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाएगी। तो मुकम्मल अल्लाह पर एतमाद करके, अपने पर एतमाद करके, जिससे पूछा है उस पर एतमाद करके, उसको रेगुलर जितने टाइम तक आपको कहा गया है, महीना है, 15 दिन है 3 महीने हैं, लगातार उसकी क्वांटिटी का ख्याल करके इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह वो चीज़ आप पे असर करेगी। दवाई में शफा नहीं होती, अल्लाह ताला दवाई में शफा डालता है, अल्लाह से दुआ मांग कर उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शफा होगी, ठीक है जी। और ये जल्दबाजी में बार बार चेंज करेंगे तो उससे नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। खीर, अज्जा, चावल पिसे हुए 1 कप, दूध 1 किलो, चीनी 1.5 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच, केवड़ा एसेंस चनकतरे, ताज़ा रबड़ी लच्छेदार 1 पाव, गार्निशिंग के लिए मुरब्बा हरा और लाल आधा कप, बादाम पिस्ता हस्ब जरूरत। तरकीब, दूध को गर्म करने के बाद चावल डालकर हल्की आंच पर 2 घंटे तक पकाएं। चावल अच्छी तरह गल जाएं तो इसमें चीनी और इलायची डालकर 10 मिनट तक पका लें। खीर दरमियानी गाढ़ी होने लगे तो चूल्हे से उतार लें। रबड़ी केवड़ा डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर लें। डिश में निकालकर मुरब्बा और बादाम पिस्ते से गार्निशिंग करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने बनाए हैं ज़बरदस्त मुरब्बे वाली खीर, और तैयार है खीर जो है, और साथ में जो है फूड पांडा ने हमें जो है ना बिरयानी भेजी है, वो हमने प्लेट में निकाल ली है, स्टूडेंट की बिरयानी, और मैंने सोचा कि गर्मा गर्म बिरयानी है, हकीम साहब भी आए हुए हैं, जारी तो बात है, बारिश में आए, बिल्कुल बारिश में, इतनी सख्त किस्म की बारिश, टाइट बारिश चल रही है। तो आप लोगों को बस जाते जाते मैसेज दे दूँ कि हर साल की तरह इस साल भी जो है फूड पांडा 17 जुलाई से जो है 19 जुलाई तक जो है सेलिब्रेट कर रहा है बिरयानी वीकेंड, ठीक है जी। और आप जल्दी जल्दी जो है ऑर्डर करें, 70% तक डिस्काउंट लें, और फूड पांडा करो, एंजॉय करें। और स्टूडेंट बिरयानी की तरफ से जो है ना 50 सालगिरह भी है, और उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी जो है ना मिल रही है, तो इन्जॉय करें। और मैं ज़रा स्टूडेंट बिरयानी की जो है ना बिरयानी ज़रा टेस्ट करी, जबरदस्त, मेरी तरफ से और हकीम साहब की तरफ से, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।